गधा गधा बोला भैया बोला ये लम्हा जो है ज़िंदगी में पहली बार आता है और बड़ी खुशी की बात है कि एक लड़की अपने घर से निकलती है और दूसरे घर को जन्नत बनाती है। एक लड़की एक घर से निकलती है और दूसरे घर को जन्नत बनाती है। उस हवाले से मुझे दो शेर कहना है और बेटी के हवाले से दो तीन शेर पढ़ना है ना। माहौल क्रिएट करने से होता है क्या सर? हाँ। है ना, तो इस मंजर को कुछ ऐसा कर दिया जाए जिसपे रहमत के फरिश्ते बरस जाए, है ना जी बिल्कुल। तो एक बार लहर के बोले सुभान अल्लाह। जमाने भर में घर की शान बेटी से, जमाने भर में घर की शान बेटी से महकता रहता है दिल का संसार बेटी से। जरूरी नहीं बेटे से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी। सुभान अल्लाह। मेरे नबी का चला खानदान बेटी। एक शेर और कहना है कि घर में रहते हुए वो गैरों की तरह रहती है, बेटियां धान के पौधों की तरह रहती हैं। एक दिन बहुत दूर चढ़ी जाएगी घर की शाखों पर, वो तितलियों की तरह रहती है। सरदार साहब के घर में ये तमन्ना परवीन तितलियों की तरह थी और 21-22 साल की उम्र में यहाँ आकर के और इस घर को गुलशन बनाया। एक शेर और सुनाता हूँ कि बहुत अच्छा है मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, न जाने क्यों तुम्हारे बिन ये घर अच्छा नहीं लगता। हजारों नेमतें मौजूद हो घर में, लेकिन अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं। सुभान अल्लाह। अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। मुझे दो तीन शेर पढ़ने हैं बेटी के हवाले से और वो ये है कि दिल का करार चैन है, दिल का करार चैन है, राहत है बेटियाँ, राहत है बेटियाँ, दिल का करार चैन है, राहत है बेटियाँ, राहत है बेटियाँ, के दिल का करार चैन है, राहत है बेटियाँ। माँ बाप के सच पूछिए तो बाप की जन्नत है बेटियाँ, जन्नत है बेटियाँ, सच पूछिए तो बाप की रहमत है बेटियाँ, जन्नत है बेटियाँ। इस कभी का एक चुनौती के बेटी जबाई घर मेरा खुशहाल हो गया, बेटी जबाई घर मेरा खुशहाल हो गया, बहू जबाई घर मेरा खुशहाल हो गया। रब की कसम ये बाई से बरकते है बेटियाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेटियाँ दिल का करार चैन है, राहत है बेटियाँ, राहत है बेटियाँ। निकालाए जो सूरज जो उजाला करके रहती है, निकालाए सूरज जो उजाला तकते रहती है,